सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सारे का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज जमात छेवीं सोशल साइंस का पार्ट इतिहास का चैप्टर 8 डिस्कस कर जा रहे हैं, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला असी चैप्टर नू रीड करांगे, उस तो बाद इस दे क्वेश्चन आंसर लास्ट करांगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर विच है कि पिछले भाग विच असी पृथ्वी अते ग्रहां दा विभिन्न भूगोलिक पक्खां बारे पढ़िया अते इह जानिया कि उन्हां बारे जानकारी प्राप्त करना साढ़े लई क्यों जरूरी है। इस भाग विच असी प्राचीन काल दे इतिहास दा अध्ययन करांगे। इतिहास अतीत दा अध्ययन है। ये सानू दसदा है कि शुरू विच मनुख कीवें रहिंदा सी अते कीवें समय दे नाल नाल सभ्यतावां दा विकास होया। पर शायद तुसी इह जानना चाहोगे कि जो बीत चुकिया है उस दा अध्ययन क्यों किया जावे। शायद तुसी इह भी सोचोगे कि इह फजूल अते निरार्थक है, परंतु अजिहा नहीं है। ठीक कहा गया है कि इतिहास चंगे भविख लई अतीत दा अध्ययन है। जेकर असी भविख विच एक मजबूत अते आदर्श समाज की स्थापना करना अते अगे वधना चाहते हाँ, तो सानू यह पता लगाना जरूरी है कि असी वर्तमान स्थिति तक किवें पुजे हाँ। इसका एक होर इंपोर्टेंट पहलू है जिहड़ा डिस्कस करन वाला है कि इतिहास अतीत जिन्हों असी कहने भूतकाल दीयां घटनावां दा लिखती वेरवा है। जो व्यक्ति इतिहास नूं लिखते हैं उन्हां नूं इतिहासकार कहा जाता है। इतिहास शब्द यूनानी भाषा दे शब्द हिस्टोरिया तो बनया है। इस दा अर्थ है भूतकाल दा ज्ञान। इतिहासकार केवल घटनावां दी ही व्याख्या नहीं करदे, सगों इन्हां दे वापरन दा कारण भी दसदे हन। हेरोडोट्स जिसने सब तो पहला इतिहास लिखिया उसनू इतिहास दा पितामा कहा जांदा है। इंपोर्टेंट पॉइंट है जी। उस तो बाद है पूर्व इतिहास। मनुखी जीवन दे लंबे काल नू दो कालां पूर्व इतिहास अते इतिहास विच वंडिया गया है। पूर्व काल जिस काल दा साडे कोल लिखती वेरवा नहीं है उसनू पूर्व काल इतिहास कहा जांदा है। नेक्स्ट है इतिहास जिस काल दा साडे कोल लिखती वेरवा है उसनू इतिहास कहा जांदा है। इतिहास दे लिखती वेरवे तो मितियां लोकां दे नां अते स्थानां बारे जानकारी मिलदी है। शुरू विच मनुख गुफावां विच जानवरां दी तरह रहिंदा सी अते जो कुछ भी कुदरती तौर ते रुखां तों पैदा हुंदा सी जां जानवरां नूं मार के कच्चा मांस खांदा सी, हौली हौली उसने घर बनाउणा, खेती करके अन्न पैदा करना, अग बालना अते भोजन पकाना, आवाजाई लई वाहन दा प्रयोग करना अते बहुत सारियां अजिहियां चीज़ां जिहड़ियां असी अपने आस पास वेखदे हाँ बारे जानकारी प्राप्त कर लई। मनुख नूं वर्तमान अवस्था तक पहुँचन लई लखां साल लगे। मनुख दे विकास दी कहानी रोचक ही नहीं सगों ज्ञान विच वाधा करन वाली है। प्राचीन काल विच मनुख कित्थे रहिंदा सी। नैक्सट पॉइंट इस दा दूजा प्रश्न शायद तुसी ई पुछोगे कि जिहड़ियां घटनावां हज़ारां साल पहलां वापरियां उहनां बारे असी किवें जाणदे हाँ। जान बुझ के जां अनजाने विच वी मनुख कई अजिहे तत्थ अपने पिछे छड जांदा है जिन्हां तों सानूं मनुख दी कहानी जानण विच सहायता मिलदी है। इन्हां नूं इतिहास दे स्रोत कहा जाता है। उदाहरण वजों
साडे आले दुआले दी अवस्थां घटनावां महत्वपूर्ण लोकां खोजां अते विज्ञान दे बारे अनेक पुस्तकां लिखियां जांदियां हन। इन्हां तों इलावा बहुत सारियां प्राचीन वस्तां खंडर आदि प्राचीन काल बारे जानकारी प्राप्त करन विच साडी सहायता करदे हन। उस तों बाद है जी साहित्यक स्रोत, बहुत सारियां धार्मिक पुस्तकां जिवें कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक उपनिषद, सूत्र, महाकाव्य रामायण, महाभारत अते पुराण नूं साहित्यक स्रोत कहा जाता है। बोधिया अते जैनिया ने भी बहुत सारिया पुस्तकां लिखियां। इह पुस्तकां धर्म तों इलावा अपने समकालीन घटनावां अते समाज बारे जानकारी दिंदियां हन। जिस समय उह लिखिया गईया सन प्राचीन काल के निजमां अते कानूनां बारे दीआं पुस्तकां लिखिया गई हैं जिन्हां नूं धार्मिक शास्त्र कहा जाता है, जिमें कि मनुस्मृति। इस तरह शासन प्रबंध बारे कुटल्या द्वारा अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई। इस तों इलावा भास, कालिदास अते होर विद्वानों द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। कहानी लिखण का आरंभ सब तो पहला भारत विच होया। बहुत सारिया कहानियां लिखिया गई, आर्याभट्ट अते ब्राह्मिहर वर्गे विज्ञानियों ने अपनिया खोजा बारे पुस्तकां लिखिया। उन्हां दियां पुस्तकां तों पता लगता है कि विज्ञान अते गणित दे खेत्र विच दूसरे देशां नालों भारती बहुत अगे सन। उस तो बाद एक होर इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला है कि मुंडले वैदिक काल विच रामायण अते महाभारत दो महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे गए। यह कहा जाता है कि रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई सी। इस विच 24,000 श्लोक हैं। महाभारत कई सदियां विच वक वक लेखकों द्वारा विस्तार विच लिखिया रचनावां दा समूह है, परंतु सधारण विचार अनुसार इस नूं ब्यास ऋषि ने लिखिया सी। इह 18 पुस्तकां विच तरतीबवार लिखिया गया है और इस विच 1,00,000 तों वध श्लोक हन। उस तों बाद आ गया साडे कोल जी पुरातत्व स्रोतां विच पुरातन इमारतां, बर्तन, रोज़ाना वरतों विच आउण वालियां वस्तां, सिक्के अते प्राचीन अभिलेख शामिल हन। पुरातत्व विज्ञानियां ने प्राचीन कस्बे अते नगरां दे स्थानां ते खुदाई करके इन्हां वस्तां नूं लभ्या। अगले अध्याय विच तुसीं सिंध घाटी सभ्यता अते होर सभ्यतावां बारे पढ़ोगे। उत्थे असीं तुहानूं दस्सांगे कि इन्हां शहरां दी खोज किस तरह होई अते इन्हां तों प्राचीन इतिहास बारे की जानकारी मिलदी है। वख वख कालां दे वर्तन एक दूजे तों वखरे हन। इन्हां तों उस समें दे लोकां दी जीवन शैली बारे पता लगदा है। पुरातत्व विज्ञानी कौन हन? जो व्यक्ति इन्हां दा अध्ययन करदा है उसनूं पुरातत्व विज्ञानी कहा जाता है। नैक्सट पॉइंट है सिक्के। प्राचीन काल विच कली, तांबे, कांसे, चांदी अते सोने आदि दे सिक्के बनाए जाते सन। कई बार पुराने सिक्के भी लब्भे हन। उन्हां उत्ते राज्यां दे चित्र अते अनेक होर चीज़ां जिमें कि जानवरां दे चित्र, धार्मिक चिन्ह, सिक्का जारी करन वाले दा नां अते कदी कदी मितियां लिखियां हुंदियां हन। इन्हां तों सानूं प्राचीन राज्यां, उन्हां दे वंश, प्राचीन काल दे धार्मिक विश्वासां आदि बारे जानकारी प्राप्त करन विच सहायता मिलदी है। सिक्के मुख तौर ते चीज़ां खरीदन वेचन लई वरते जांदे सन। इस लई
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਰਕ। ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤੰਭ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਤੰਭ ਅਤੇ ਨਲਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੰਡਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ। ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭ, ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ 'ਤੇ ਖਦਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸਕੰਦ ਗੁਪਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਤੰਭਾਂ 'ਤੇ ਖਤਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਹੀ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਕੇ, ਸਮਾਰਕ, ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਟੱਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਡੈਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੁਟੱਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ
डैश स्रोत एक होंगे हैं, ये आते हैं जी इतिहास स्रोत अखवादियाँ हैं। इस तो बाद नैक्सट पॉइंट है मैचअप करना, हेठ लिखे शब्दों का सही मिलान करो। एक साइड है जी आर्यभट्ट, रामायण, सामवेद, अर्थशास्त्र, महाकाव्य, वेद, कौटिल्या, विज्ञानी। तो असी बड़ी आसानी दे नाल आर्यभट्ट सानू पता है जी विज्ञानी सी, रामायण महाकाव्य, सामवेद वेद है, और अर्थशास्त्र जिहड़ी है किताब जिहड़ी है कौटिल्या द्वारा लिखी गई। उस तो बाद है हेठ लिखी वाका सामने सही जां गलत दा निशान लगाओ। सब तो पहला है मनु स्मृति धर्म शास्त्र ग्रंथ है, बिल्कुल ठीक है जी। उस तो बाद है आर्यक वैदिक साहित्य दा हिस्सा नहीं है, ये गलत है जी। सिक्के इतिहास दा स्रोत नहीं हन, ये गलत है जी, सिक्के इतिहास दा स्रोत हन। अशोक ने अपना संदेश पत्थरां दे स्तंभां ते खतवाया, ये बिल्कुल ठीक प्रश्न है। तो फ्रेंड्स अगर थानू वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो नू लाइक और शेयर जरूर करना, अगर तुसी चैनल दे नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।